गाइस इस वीडियो के थ्रू पूरी फूड ब्लॉगर्स की कम्युनिटी की तरफ से यार एक आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ यार। यार ये वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, पसीना बहुत बहता है हमारा, मतलब कि कमर दुख जाती है यार। चार चार पाँच पाँच घंटे एक वीडियो की शूट पर लगता है पता है हमें, और उसके बाद वो तीन तीन चार चार घंटे एडिट के लिए जाती है, तो कुल मिला के करीब मतलब एक वीडियो तैयार होती है करीब 12-13 घंटे के अंदर यार। यार एक बार बताओ हम इतनी मेहनत करते हैं यार और आप मतलब उसको जल्दी 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 आगे कर देते हो, और मेन चीज़ है यार कमेंट्स। यार कमेंट्स इतने गंदे गंदे भी आते हैं यार, इतनी मेहनत बंदा कर रहा है यार किस लिए, कि मतलब आपको ना अच्छी अच्छी जगह से अच्छा अच्छा फूड ला के हम आपको दिखाएं। यार कमेंट्स में होता है कि आप पूछते हो यार कि आपने कितने पैसे लिए उसे, कितने पैसे खाए उसे। एक वीडियो थी जी सरदार जी की, सरदार जी आमलेट वालों की, यार उसमें ये कमेंट आ गया यार कि आपने सरदार जी से कितने पैसे लिए उस वीडियो को बनाने के लिए। यार व्हाट इज़ दिस यार, आप उसकी हालत देख रहे हो, क्या कर रहे हो, हम उससे पैसे लेंगे ये वीडियो बनाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते। अच्छा दो तीन वीडियोज़ में मेरी बहन आई थी टेस्टिंग के लिए, यार उसके लिए भी गलत गलत कमेंट्स आ गए यार। ये नहीं यार, दिस इज़ नॉट गुड यार। यार इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए भाई, सिर्फ आपके लिए। यार एक बार बताओ अगर आप हल्के से दो कमेंट्स अच्छे लिख दोगे ना, दिल को तसल्ली आती है, ताकत आती है नए वीडियो बनाने के लिए। यार प्लीज़ इतना सा ख्याल रखो यार, प्लीज़ वीडियोस एंजॉय करो, गलत कमेंट मत करो यार, दिल दुखता है। ठीक है जी, चलिए बहुत ज़्यादा भाषणबाजी होगी आपके साथ, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है जी, चलिए। ओए होए होए, जलंधरी चिकन यार देख रहे हो, ओए होए गिरा भाई गिरा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, मिक्सिंग बाद में करेंगे यार, कोई बात नहीं गले में लग जाए यार, कोई गल नहीं। गाइस ये हमारा डल रहा है जी रम इसके अंदर, ये क्या बात है जी, क्या बात है भाई। तीन टाइप के फूडीज होते हैं, एक जो जहाँ नई चीज़ मिले वो खाएंगे, एक होते हैं जो बनाते हैं नई से नई चीज़ बनाएंगे, और तीसरे होते हैं मेरे जैसे जो बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं, और जहाँ नई चीज़ मिले वो खाते भी हैं। बट यार यहाँ चौथी टाइप है भाई, शुभम गुलाटी मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर भी इतना शौक है खिलाने का कि भाई लगे हुए हैं। इनके जो बनाने के तरीके हैं, फ्यूजन्स हैं भाई साहब, ओए होए। रोड साइड पे बना एक छोटा सा आउटलेट ऐसा स्वाद बांट रहा है ना, बस पूछो मत यार। मेरी भी ये दूसरी कोशिश है यहाँ पर वीडियो बनाने की, पिछली बार जब मैं आया था ना भाई साहब, जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, बहुत ज्यादा बिजी थे। खैर हमने भी सोचा यार फिर दोबारा जरूर आएंगे, और आज हम आ गए। सो आज हम आए हैं रोनी सेक्टर नंबर 15 और 16 के बीच में, कहाँ पर, गुलाटी चिकन हब के पास। मैं अगर लोकेशन की बात करूं तो इस वक्त हम खड़े हैं अथॉरिटी रोड पे, जहां पर NDPL का ऑफिस है, और रोनी सेक्टर नंबर 15 का बस स्टॉप है, उसके जस्ट ऑपोजिट है ये फूड हब, और सबसे पुराना लैंडमार्क है यहां पर राधे राधे स्वीट्स का। तो आइए ले चलते हैं और देते हैं उसका सच्चा रिव्यू। सो हाय, मैं आपका होस्ट और दोस्त दिलमोहन सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फूड टूर्स में। मेरा नाम शुभम गुलाटी है और मैं गुलाटी चिकन हब का ओनर हूँ। अपना AC और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने। उसके बाद थोड़ा मतलब जॉब लगी थी, फिर लॉकडाउन आ गया था, फिर लॉकडाउन के बाद मेरी जॉब लगी नहीं, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया अपना, मैंने ये वाला नॉन वेज का। उसके बाद काफ़ी चुनौती आई मेरे पास, 3 महीने बिल्कुल भी काम नहीं था। पहले तो रोड पे ही मतलब स्टॉल मेरा लगता है, बाकी मैं आने वाले टाइम पे मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं इसके साथ साथ मैंने अभी छोटी सी मतलब अपना फैक्ट्री डाली है, जिसमें मेरे पास 45+ आइटम्स है फ्रोजन की। उसमें मेरे पास सीख कबाब, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, चिकन टिक्की, बर्गर पैटी, नगेट्स, सलामी, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स होगी सारी। किसी रेस्टोरेंट वगैरह को कोई भी फ्रोजन आइटम ऑल ओवर इंडिया कोई भी चाहिए हो, कोई भी किसी को भी कुछ भी सामान चाहिए हो फ्रोजन में, मुझे 97111
8276 84 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने काम तो खुद ही मतलब घर में बना बना के सीखा था मैंने, बाकी इससे पहले मैंने अर्बन किडनी शालीमार बाग है वहाँ पे मैंने वेज का कॉन्टिनेंटल का काम मैंने सीखा है, उसमें मेरे को पास्ता पिज्ज़ा बर्गर सैंडविचेस मैंने सीखा था वहाँ पे अर्बन कैंटीन में। स्पेशलिटी सर मेरी रम चिकन है, शराबी चिकन है, कूलर वाली टंगड़ी है, जलंधरी चिकन है, मटकी चिकन है, हांडी चिकन है। शराबी चिकन में मेरा कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं होता, शराबी चिकन इज़ बेसिकली फॉर चकनास, चकना जस्ट लाइक कोई ड्रिंक वगैरह जैसे करता है उसके साथ में, मतलब वो अच्छा लगता है, वो चटपटा नींबू लेमन का टेस्ट आता है उसमें, और सेमी ग्रेवी ड्राई ग्रेवी में रहता है। जलंधरी चिकन इज़ बेसिकली क्रीमी एंड बटरी, बटरी एंड क्रीमी रहेगा वो, थोड़ा स्पाइसीपन आएगा उसमें। रम चिकन जिसमें रम का थोड़ा सा तड़का लगता है, अल्कोहल बर्न हो जाता है उसमें। लोकेशन सर ये जो मेरी रोड है ये 40 वाली रोड कहते हैं इसको, आगे जाके सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है, नहर भी आती है, सामने बिल्कुल मेरे बंसल भवन है और बिल्कुल मेरे स्टॉल के ऑपोजिट आप देख रहे हैं एनडीपीएल का ऑफिस है सेक्टर 15 का। बाकी नियर बाय मेरे राधे राधे स्वीट्स है, राधे राधे स्वीट्स के तुरंत बाद मेरा स्टॉल लगता है, रामलीला ग्राउंड है सेक्टर 16 का, बहुत फेमस है जो, इसके बाहर ही मेरा स्टॉल लगता है। टाइमिंग सर मेरी 5 to 10 है, 10:30 तक मैं अवेलेबल होता हूँ, बाकी ट्यूसडे मेरा ऑफ रहता है। गाइस शराबी चिकन हमारा तैयार होने वाला है। ये सर चौप मसाला है, इसमें खड़े मसाले और अपना प्याज टमाटर अदरक लहसुन पेस्ट सब मैं डाल के लाता हूँ, प्रिपरेशन करके लाता हूँ। काली मिर्ची रहती है इसमें, धनिया पाउडर रहता है इसमें, खड़ी लाल मिर्च भी रहती है, सारे खड़े मसाले इसमें रहते हैं, जावित्री स्टार फूल सब रहता है इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ये सर चिकन आ गया इसमें, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी सर, मेरा स्पेशल मसाला है ये, लोग कहते हैं ये मैगी मसाला लेकिन ये मैगी मसाला नहीं है, ये स्पेशल मसाला है। खुशबू तो सेम आ रही है। नहीं सर, इसमें जावित्री स्टार फूल अपना सारे खड़े मसाले इसमें ऐड ऑन हो गए, मैं पीसता हूँ इसको, और ये किचन किंग है, ये देखिए सर सारा रेड्यूस हो गया पानी। गाइस ये बनने जा रहा हमारा रम चिकन, ये टमाटो प्यूरी, ये चिकन आ गया, गाइस ये हमारा तैयार हो रहा है जी चिकन जलंधरी, ये क्रीम डालते हुए जी, ये जलंधरी चिकन हमारा कोले पे गरम होते हुए देख रहे हो, उबाले खा रहे हैं भाई। गाइस कल बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और आज हम वीडियो बनाने आए हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमस है और इस ह्यूमस में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार इस बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता जरूर है, तो यार कमाल है, इतना तो किया करो यार। चलिए अब दिखाते हैं कि हमने आपके लिए मंगवाया क्या है। ये है जी शराबी चिकन, देख रहे हो, खैर इसके अंदर शराब नहीं डली हुई, ये पीने वालों के साथ में जो यूज होता है ना चखना टाइप, यू नो चखना चखना वो है, ठीक है जी। इसके अंदर इन्होंने हल्की सी मिर्च ज़्यादा डाली हुई है और नींबू डाले हुए हैं 2 बार और इसकी ग्रेवी बनी है खड़े मसालों से, तो टेस्ट करते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो भाई साहब गर्म है यार, देख रहे हो धुआं, देख रहे हो धुआं, चलो टेस्ट करते हैं इसको। ओए होए होए, खड़े मसालों की खुशबू, चिकन का जो अपना जो फ्लेवर होता है ना तंदूरी कोयले का वो आ रहा है, जूसी चिकन है, हल्की सी मिर्च ज़्यादा है और खटास है भाई, मज़ा आ गया भाई। पेश है गुलाटी का स्पेशल जलंधरी चिकन, ये देखो, देख रहे हो इन्होंने तंदूरी चिकन के ऊपर डाला अपना स्पेशल मसाला, बहुत सारी क्रीम और बटर और कुछ मसाले, उनको गरम किया कोयले पे, भाई साहब जो बन के चीज़ आई है ना आपके सामने है यार, देख रहे हो, ये टेस्ट करते हैं इनका। ओए होए होए होए, जलंधरी चिकन यार देख रहे हो, ओए होए गिरा भाई गिरा, देख रहे हो, तो टेस्ट करें इसको, चलिए खूब पूछ रहे भाई, भूल गया मुँह यार, बहुत ज़्यादा क्रीमी है यार, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ओए होए होए, दिस इज गुड, वेरी गुड। गाइस ये हमारा डल रहा है जी रम इसके अंदर,
ये क्या बात है जी, क्या बात है। गाइस, ये डिश जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये स्पेशल है। पूछो क्या, ये है जी रम चिकन। नीचे दिखाओ यार, ये देखो, ये है जी रम चिकन। गाइस, आपको एक हिदायत देना चाह रहा हूँ कि जो भी ना अल्कोहल बेस वाली डिशेज होती है ना, वो जैसे ही डाले ना अल्कोहल को, उसको ना एकदम मिक्स कर लिया करो, ताकि उसका मतलब खाली और खाली फ्लेवर आए और वो आपके गले में लगे ना। तो जैसे ही आया था हमने इसको कर दिया था मिक्स अच्छी तरह। ये मिक्स कर रहे हैं हम, ताकि इसका ना जो स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है ना वो गले में लगता है रम का, वो आपको लगे ना, इसलिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। चलिए आपको ना खा के बताते हैं इसका टेस्ट। भाई साहब, हल्का सा रम का फ्लेवर, गुड, वेरी नाइस। ये देखो, रम का फ्लेवर, खड़े मसालों की खुशबू, टमाटर प्याज की ग्रेवी है, ये यूनिक है। दिस इज समथिंग यूनिक। सो गाइस, पेश है कुल्लड़ टंगड़ी। यार देख रहे हो, ये है जी कुल्लड़ और ये निकली प्यारी सी टंगड़ी, देख रहे हो क्या बात है। ए, 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 ए। देख रहे हो मजेदार यार। तो टेस्ट करते हैं इसको और बताते हैं इसका स्वाद, ठीक है जी। ओए होए, पहला इफेक्ट है जी नींबू का स्वाद, खटास वाला। गाइस, ये रिकमेंडेड है, वाह वाह। तो गाइस, वीडियो करते हैं बंद। भाई ऐसा है, यहाँ पर आने का फायदा जरूर हुआ, हल्की सी देर जरूर लगी मेरे को, लेकिन स्वाद वाइज इट्स अल्टीमेट, आना बनता है यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।